तस्वीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। प्रयागराज पीड़ित महिला को नहीं मिल पा रहा है न्याय, दबंग भूमाफिया और नेताओं के द्वारा जबरन किया जा रहा है कब्जा। आपको बताते चले मामला, प्रयागराज के कीटगंज में रहने वाली राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीटगंज प्रयागराज निवास कर रहा है। वर्तमान योगी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन माफियाओं द्वारा आज भी लोगों को जबरदस्ती मकान कब्जा किया जा रहा है। राबिया बेगम का परिवार पिछले 150 वर्षों से रह रहे राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीटगंज में रहते हैं। आजादी के बाद मकान मालिक पाकिस्तान जाते समय राबिया की दादी को आजीवन परिवार साथ रहने के लिए मकान को छोड़ गए थे। उसके बाद इसी परिवार का कब्जा बना था। कुछ वक्त बीतने के बाद इसमें नेता और भूमाफिया फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, जिसकी सूचना पाते ही पीड़ित परिवार ने विभागों में सूचना दिया। फिर भी दबंगों ने प्रशासनिक व कोर्ट की मदद के द्वारा पुनः कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और फर्जी कागज बनवा कर रजिस्ट्री भी करवा लिया गया। जमीन किसी और की, रजिस्ट्री किसी अज्ञात व्यक्तियों से कराया गया है। यह जांच का विषय है, टीन चादर लगा था, हटा दिया गया है। पीड़ित की तरफ से सूचना मिलने पर मीडिया को पीड़ित द्वारा बताया गया कि यह मकान का कई बार क्रय विक्रय होता रहा, जिसकी सूचना मकान में रहने वाले परिवार को नहीं थी। कुछ दिनों से थाना कीटगंज के दरोगा के साथ कुछ लोग आकर जबरदस्ती मकान को खाली कर लिया गया है। यह भूमाफियाओं का यही काम है, हर जगह यही फर्जी कागज बनवा कर जमीन का कारोबार करते हैं। दबंग माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित राबिया और उनके परिवार के ऊपर पीड़ित परिवार को खतरा है, पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है राबिया ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार से मदद मांगी है। जब बच्चे हैं इनके, दादा जो है, इनके दादी दादा जो है बचपन रहते चले आ रहे हैं, कम से कम नहीं तो लोगों को 50-60 साल हो गया रहते। क्या नाम है इनके दादा दादी? इनके दादा का नाम जो है तो था अली हसन। अच्छा, मरहूम। अब ये लोग इनका क्या नाम है जो रह रहे हैं? जो रह रहे हैं इतनी दूर है, अली हसन था, अली हसन नाम है। कब के रहे हैं? बताया नहीं कि अली हसन का नाम है, अली हसन को इसमें आए हुए कम से कम 50-60 साल हो गए। दादा हो गया 60 साल। आपका नाम क्या? हमारा नाम मुमताज अहमद है। कीटगंज क्लासी गली, और मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं मानवाधिकार की तरफ से मैं ये कार्य करती हूँ। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए मैंने ये थाना भी है, और आज एक महिला के साथ जो भी अन्याय हो रहा है कि वो एक घर में कैद की तरीके रह रही है, उसके घर को तोड़ फोड़ भी दिया गया है, और उसके साथ मैं जानने की भी कोशिश किया तो उससे हमें ये पता चला है कि वो यहाँ पे कम से कम 150 साल से पुराने लोग हैं रहने वाले, लेकिन कुछ लोगों ने, उनका दावा है कि ये मकान उनका है और इस पे कब्जा उनका होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इस महिला के साथ न्याय हो और इसको एक इंक्वायरी बैठाई जाए कि और सही और गलत का फैसला किया जाए और उसको न्याय मिले। योगी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी कैद है। इसीलिए तो हमारे देश में अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महिला प्रथम पहले आती है। अगर उसके साथ कोई पीड़ित कर रहा है तो उसका सपोर्ट करने के बजाय उसको बताइए। और यहाँ तक हमने इस महिला से समझा कि उसका 1.5 महीने का बच्चा मिसकैरेज भी हुआ, जो शायद मारपीट में किया गया उसके साथ, और जब देखो तो उसको मारने की भी धमकी दी जा रही है। ये सब गलत है और हम कहते हैं न्याय से आप लोग अपना जो भी काम है तो उसको एक तरीके से कि उस दोनों पक्ष को बैठा के उसको पूरी तरह से न्याय का काम कराइए उसके साथ। हर महिला पीड़ित इसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो भाई कैसे, वो किससे न्याय मांगने जाएगी? योगी सरकार ने पुलिस क्यों नहीं अच्छा काम कर रही है जो है? अब पुलिस वालों की यही तो भाई, हमारी सरकार इतनी अच्छे होने के बाद भी लोग उनका नाम ही खराब कर रहे हैं। कुछ लोग दबंगों के साथ मिल के या जो भी पैसा अगर मान लीजिए उनको मिल जाता है तो ये गलत काम कर रहे हैं अपने न्याय को भूल के, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनकी भाई शोषण कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो भी अगर इस लाइन में कर रहा है तो इसकी शिकायत ऊपर तक जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री तक इनकी शिकायत पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे, अगर अभी देखिए गलत हो रहा है तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। आपका नाम?
मीनू सिंह, अपर निदेशक मानवाधिकार। दादी दादी दादा रहते थे, उनकी अम्मी रहती थी, आज मेरे पापा रहते हैं, ये मम्मी हैं, ये मैं हूँ जी, ये लोग मोहम्मद अहमद, ये चकिया का सारी मसारी के लोग हैं, फरहान मोहम्मद अहमद और परवेश मिर्जा उर्फ ज्योति और मोहम्मद असलम, ये सब कांग्रेस नेता की पार्टी हैं और ये सब लोग परेशान कर रहे हैं। शेरू खन्नन बहुत से गैंग है, बहुत से ये लोग यही गुरु यही सब काम करते हैं, उनका यही ग्रुप है। पूरी कचहरी में दो कागज मैंने दिया हुआ है और ये और भी चार जगह खाली करवाए इन्होंने चकिया में। कब से आप लोग इस तरीके से बंद हैं जी? अभी हम लोग ने चार दिन से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बाकी दो दिन तो हम लोग बाहर काट लेते, दर्जा बंद कर आने जाना ऐसे ही करते हैं। प्रशासन आया कि नहीं अभी तक? प्रशासन नहीं आती है, दो दिन दिखलाने के लिए आएगी, तीसरे दिन गायब हो जाती है। अच्छा, प्रशासन अगर आती तो मेरा टूट नहीं पाता। आज हम चार महीने छह महीने से कचहरी चक्कर लगाते हैं, डर की वजह से जाते तुरंत भाग के आ जाते हैं, कहीं कोई घूस नहीं जाए, मगर ये चार दिन में हम कचहरी जा नहीं पा रहे क्योंकि दूसरा केस मेरा डेट लगने वाली, इस वजह से ये सोच रहे कहीं उसमें जीत ना हो जाए मेरी, इस वजह से निकलना भी मेरा मुहाल कर दिया समझिए इस बात। अपना पर्चा? मेरा नाम राबिया है, ताहिरा बेगम की मैं लड़ती हूँ।